नमस्कार दोस्तों, देसी डॉग का खासियत और उसका बुराई जान करके आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि आपको देसी डॉग पालना चाहिए कि नहीं पालना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू चैनल में पॉम टॉय देसी डॉग एडवेंचर में, और मैं अनुराग आर्यन। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि देसी डॉग्स में आपको प्रॉब्लम क्या देखने के लिए मिलते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि देसी डॉग पालने का फ़ायदा क्या है। तो चलिए दोस्तों, देसी डॉग बहुत ही ज़्यादा इनर्जेटिक ब्रीड होते हैं। अगर आप लोग स्ट्रीट पे देखोगे, वो दिन भर खेलता है, दौड़ता है, रात में भी भौंकता है, तो इतने ज़्यादा वो इनर्जेटिक रहते हैं। तो इसके वजह से अगर आप लोग घर में लाओगे, दिन भर उसको बांध करके रखोगे, खेलने कूदने के लिए नहीं ले जाओगे, तो कई बार उसका एनर्जी वेस्ट नहीं होगा, और आप लोग खाना तो अच्छे क्वांटिटी में खिलाओगे, तो उससे कई बार उसके मेंटली डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, और वो डिस्टर्ब होने के बाद, इरिटेट होने के बाद वो बाइट भी कर सकता है। तो ये गलती हमारा है या फिर ऑनर का है, क्योंकि कोई भी जानवर या डॉग हम रख रहे हैं तो उसका फिजिकली और मेंटली एक्सरसाइज करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप लोग प्रॉपर एक्सरसाइज करवाओगे तो ये प्रॉब्लम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। दूसरा प्रॉब्लम हम बात करें बीमारियों का, तो जनरली देसी डॉग्स में आपको कोई और प्रॉब्लम दिखने के लिए नहीं मिलते हैं, जबकि अगर आप लोग ब्रीड वाला डॉग पालो तो उसमें जेनेटिक स्किन इन्फेक्शन, आई प्रॉब्लम, मतलब आई में डिसऑर्डर आ जाते हैं, हिप डिस्प्लेसिया, ये सब बहुत ही खतरनाक बीमारी हैं। चाहे आप 1,00,000 का भी डॉग ले लो, और अगर इसमें वो प्रॉब्लम आ गया, या फिर आप लोग फ्री का भी डॉग कोई लाओ, तो उसमें ये सब प्रॉब्लम जो भी मैंने आपको बतलाए हैं, अगर ये सब हो गया तो आप लोग उसका इलाज तो करवाओगे ही, कई बार लोग रोड पे छोड़ देते हैं, लेकिन आपको दुख बहुत होगा कि आप एक डॉग लाए, उसको ये प्रॉब्लम हो गया और आप लोग मैनेज नहीं कर पाए, उसको सपोर्ट नहीं कर पाए। तो देसी डॉग में जनरली ऐसा कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलता है। तो अब हम बात करने वाले हैं देसी डॉग पालने का एडवांटेज क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देसी डॉग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट ब्रीड होते हैं। इसको आप लोग किसी भी लेवल तक ट्रेनिंग दे सकते हो, अगर घर पे रखने का बात करें। दोस्तों, घर में अगर आप लोग बेसिक ट्रेनिंग देते हो, जैसे कि सिट डाउन, अप, हैंड शेक, इधर जाओ, दूसरे पे भौंको, गार्डिंग करो, ये सब बेसिक ट्रेनिंग होता है, जिसको होम ट्रेनिंग बोलते हैं, होम डिसिप्लिन बोलते हैं। तो ये सब ट्रेनिंग बहुत ही आसानी से देसी डॉग सीख जाते हैं, तो केवल सिखाने वाला होना चाहिए। अब दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जो ब्रीड वाले डॉग होते हैं वो जल्दी सीख लेते हैं ये सब ट्रेनिंग, कैपेबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा होता है कि वो जल्दी सीख ले, लेकिन मैं पिछले 4-5 साल से डॉग को पाल रहा हूँ, तो अगर ट्रेनिंग देने की बात करें तो आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा, आप लोग इसे भी ट्रेनिंग दे सकते हो। तो पहला आपका एडवांटेज ये हो गया। दूसरा एडवांटेज ये हो गया कि ये ब्रीड आपको बीमार नहीं पड़ेगा, तो कई बार ये आपके होने वाले खर्चों को भी बचा देगा। अब तीसरा एडवांटेज ये है कि आपको ये वैरायटी ऑफ कलर्स में मिल जाएंगे, आपको जो भी कलर चाहिए, ब्लैक, ब्राउन, वाइट। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप लोग कलर को बिल्कुल मत देखिए, आपको जो भी डॉग मिल जाए, कैसा भी मिल जाए, आप उसको रख सकते हो, अपने फैमिली में एक मेंबर बना सकते हो। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम रहता है कि क्या देसी डॉग काटते हैं, गुस्से होते हैं या फिर खूंखार होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, देसी डॉग जहाँ भी रहेंगे वो भी एक जानवर है, एक डॉग है। बाय चांस वो जिस इलाके में है वहाँ का इन्वायरमेंट गलत बन गया, तो उसके वजह से वो खूंखार हो सकते हैं, चीज़ों को काट सकते हैं। तो ऐसे तो जर्मन शेपर्ड हो, लैब्राडोर हो, कोई भी ब्रीड होगा, अगर उसको वैसा माहौल मिलेगा तो वो भी एग्रेसिव होगा, वो भी काटेगा। अब इंसान का ही बात कर ले, अगर आपके घर में, आपके मोहल्ले में, स्कूल में, ऑफिस में सभी आपको पागल बोलेंगे, चोर बोलेंगे, फेलियर बोलेंगे, डिप्रेस्ड में आप चले जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, और आप गलत कदम भी उठा सकते हो, दूसरे को मार सकते हो, खुद को भी मार सकते हो। तो ये एक इन्वायरमेंट का आप इफ़ेक्ट कह लो, तो उसी तरीके से देसी डॉग पर भी कभी कभी हो जाता है। उसको खाना नहीं मिलता है, धूप बहुत ज़्यादा होता है, दूसरे डॉग्स के अटैक्स का उसे खतरा रहता है, तो ये सब प्रोबेबिलिटी की वजह से कई बार देसी डॉग डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, और एक झुंड बना करके खाने के तलाश में हो या डिस्टर्बेंस की वजह से हो, वो चीज़ों पे अटैक कर देते हैं, इंसानों पे अटैक कर देते हैं, दूसरे जानवर पे अटैक करते हैं, गली मोहल्ले, शहर गांव वगैरह में। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि ये देसी डॉग ही बेकार है, खूंखार होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इंसान
खराब हो सकता है, मतलब कि डाकू बन सकता है, गुंडा बन सकता है, आतंकवादी बन सकता है, वो तो जानवर है, माहौल वैसा मिलेगा तो वो बन ही जाएगा। तो आज का हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि क्या आप लोग देसी डॉग पाल सकते हो कि नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग है कि देसी डॉग आप लोग बिल्कुल पाल सकते हो। अगर हम लुक्स का बात करें तो इंग्लिश में एक मुहावरा है, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बीहोल्डर, मतलब कि देखने वालों के आँखों में खूबसूरती होता है। आप किन्हीं को बहुत अच्छा प्यारा मान रहे हो तो हो सकता है कि दूसरा आदमी उसको बेकार समझे, बदसूरत समझे। तो आप अपने आप को अच्छा बनाइए, सुंदर बनाइए, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई। तो आज का हमारा प्रवचन यहीं पे ख़त्म होता है। देसी डॉग को आप लोग पाल सकते हो, हमारे घर के आसपास भी बहुत सारे देसी डॉग हैं, मैं उसे कभी भी नहीं मारता हूँ, जब भी खाना देना होता है खाना देता हूँ, मेरे पास रहती है, हम उसके साथ बैठते हैं, वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। आप लोग भी रखिए और दूसरे के दिखावे में मत आइए। बहुत सारे लोग आपको ये बोलेंगे अरे ये क्या ले आया है देसी डॉग, तो ये लोग नहीं समझ सकते हैं क्योंकि हमारा समाज उस तरीके से डेवलप हुआ है। तो हम लोग मिलते हैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस में, तब तक आप लोग अपने प्यारे से डॉग का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वाले गाँव मोहल्ला सबका ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।